प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आकाश बहुत ऊंचा है, दूर बहुत है तारे। विपुल, डर क्यों गए? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ मम्मी, मैंने देखा एक डायन दादी माँ का गला दबा रही है। वो जोर से चिल्ला रही थी, मैं उन्हें देखकर आता हूँ। मगर मम्मी, दादी माँ तो वहाँ आराम से सो रही हैं। मैंने कहा था ना विपुल, डाइन वाइन कुछ नहीं होती है, चलो सो जाओ। मगर मम्मी, सुना है दादी माँ ने 3-4 दिन पहले धूमकेतु देख लिया था, इसलिए उसकी डाइन ने उन्हें बीमार कर दिया। दादा दादी और बुआ भी यही कहते थे कि धूमकेतु देखना अच्छा नहीं होता। नहीं बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें हैं तो दादी माँ बीमार कैसे पड़ गई? किसी वजह से बीमार पड़ गई होंगी, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, तू फिकर मत कर, चल सो जा। हे भगवान, अच्छे से तबाह। बाबूजी आ गए। अब कैसा लग रहा है? अरे हाँ बेटी, गंगा दिन को ओझा के पास भेज दिया कि नहीं? जी हाँ बाबूजी, वो तो लेने गया है, आता ही होगा, पता नहीं कितनी देर हो गई गया है। धीरज रखो माँ, ओझा बस आता ही होगा। पिताजी, कितना अच्छा होता आप विपुल के पापा के आने के बाद ही कोई फैसला करते। लीजिए माँ जी, थोड़ा सा दूध पी लीजिए। मुझे दूध नहीं चाहिए, अजय क्या ओझा को आने देगा? वो तो सीधा डॉक्टर को बुलाएगा, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं। ना मैंने पूछा तारा देखा होता, ना मैं बीमार पड़ती। अरे ओझा जी तो आ भी गए। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। ब्लिंग ब्लिंग ग्लिंग 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 रमा। ओम काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। ओम बोल, तू जाता है कि नहीं बोल। जाता है कि नहीं तो मार मार के तुझे भगा दूंगा। ओम काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। राम ध्रीम राम मां के सिर सिरे। ये सब क्या हो रहा है? सुन सुन,
पापा पापा, ये ओझा जी है ना, वो डायन को भगा रहे हैं। डायन? कैसी डायन? अजय बेटा, मंगलवार की शाम को बड़े विश्वास के साथ तुम्हारी माँ तुलसी की पूजा कर रही थी कि अचानक आकाश में उसे एक बहुत बड़ा धूमकेतु दिखाई दिया। बस तब से वो बीमार पड़ गई है। तुम्हारी मां का विश्वास है कि धूमकेतु के अंदर के डायन की उस पर बुरी नजर पड़ी है। बस उस डायन को भगाने की पूजा हो रही है। लेकिन पिताजी, धूमकेतु का मां की बीमारी से क्या संबंध? चलिए आप लोग चलते फिरते नजर आइए, अभी इसी वक्त। ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा। मैंने आपसे क्या कहा? गेट आउट, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ यहां से। आउट। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों की अकल को। मेरे जाने के बाद ओझा को बुला लिया और भी न जाने क्या कुछ करते रहते हैं इस घर में। कुछ तो समझना चाहिए इन लोगों को। अब आप ही बताइए ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करती? कितनी बार समझाया पर मेरी कोई सुने तब ना। ये लोग सारा दिन डायन और जादू टोने की बातें करते रहते हैं। पता है विपुल कितना डर गया है? हुआ क्या है माँ को? बुखार है, पूरे बदन में दर्द और घबराहट। ठीक है अंजना, तुम चिंता मत करो। जी। अजय बेटा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। हाँ बोलिए। विपुल अपनी दादी को बीमार देखकर कुछ गुमसुम सा रहता है, ठीक से खाता पीता भी नहीं। मैं सोच रहा था क्यों ना उसे बहू के साथ कुछ दिन के लिए बंबई भेज दें, उसके मामा के पास, उसका मन बहल जाएगा। हाँ बात तो ठीक है, और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं। मैं आज इनके जाने का इंतजाम करता हूँ। लेकिन माँ जी को इस तरह छोड़कर मेरा जाना ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता विपुल भी जाने के लिए तैयार होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, विपुल को साइंस में दिलचस्पी है। नेहरू साइंस सेंटर, प्लेनेटोरियम वगैरह वगैरह दिखाने का उसको लालच देंगे ना, छट से मान जाएगा। अब रही बात तुम्हारी, माँ की देखभाल के लिए यहाँ हम लोग हैं ही, तुम सफर की तैयारी करो। मामा जी, हम यहाँ किससे मिलने आए हैं? अभी पता चल जाएगा। संकेत साहब है? जी हाँ। उनसे कहो कि सुदर्शन मिलने आए। अच्छा साहब। अरे विपुल साहब, आपके दोस्त सुदर्शन साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, उनसे कहो दो मिनट इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ साहब, एक मिनट साहब, आ रहे हैं। हेलो सुदर्शन। वाह मेरे यार, बहुत दिनों के बाद दोस्त की याद आई। हाँ सुनाओ, तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं नहीं आया तो क्या तुम भी नहीं आ सकते थे यार? अरे यार सुदर्शन, तुम तो जानते हो हमारे विज्ञान की दुनिया में कितना काम रहता है। हाँ हाँ जानता हूँ, साइंस के रिसर्च स्टूडेंट हो, बहुत बिजी हो। विपुल, ये है तुम्हारे संकेत अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ये अंजू दीदी का बेटा है ना? हाँ। अरे भाई कितने बड़े हो गए आप मास्टर विपुल, पिछली बार देखा था इतने से थे। हाँ भाई संकेत। हाँ मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। तू तो साइंस का रिसर्च स्टूडेंट है, डॉक्टर जयंत विष्णु नालिकर जैसे मशहूर साइंटिस्ट का शिष्य है, तेरे पास मेरी समस्या का हल जरूर होगा। बोलना यार, क्या बात है? यार संकेत। हाँ। विपुल को धूमकेतु के बारे में गलत धारणा है, उसे दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी और डॉक्टर नार्लिकर की मदद चाहिए। अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है, चल मेरे साथ अभी इलाज करते हैं। चलो। अरे वाह, तुम तो तस्वीरों में ही खो गए। मामा जी ये अंतरिक्ष यान है ना? हाँ बेटे, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। हाँ बेटे, कल हम तुम्हें इसी तरह के अंतरिक्ष यान में बिठाकर अंतरिक्ष की सैर कराने ले जाएंगे। कहो कैसा रहेगा? बड़ा मजा आएगा अंकल। हाँ ये
बच्चों, इस यान में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो। अंकल, हम लोग सचमुच धूमकेतु तक जा पाएंगे ना? सचमुच तो हम धूमकेतु पर नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हम धूमकेतु पर जा रहे हैं। वैसे तुम जानते हो धूमकेतु क्या होता है? हाँ, वो उसी डायन का घर है ना, जो मेरी दादी की जान लेना चाहती है। मेरे दादाजी तो कहते हैं कि धूमकेतु देखना भी बहुत खराब होता है। चलो देखते हैं असलियत क्या है। इस यान में बैठकर हम करोड़ों किलोमीटर दूर ऊपर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। इतना ऊपर कि जहां से हमें हमारी पृथ्वी दिखाई ही न दे। सुदर्शन, तुम्हें याद है हम एक बार पहले भी यहां आ चुके हैं? हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में कोई हिमखंड तैर रहा हो। यही तो धूमकेतु है। ये धूमकेतु? हाँ, लेकिन इसकी पूछ कहाँ है? अरे भाई, थोड़ा धीरज रखो। अभी ये तुम्हें चट्टान के जैसा दिख रहा है, एक हिमखंड के जैसा नजर आ रहा है, लेकिन इसे थोड़ा करीब आने दो, फिर तुम देखना ये सारे ग्रहों से खूबसूरत नजर आएगा। वैसे मेरे ख्याल से अब हमें इस हिमखंड के साथ साथ चलना होगा, ताकि हम इसे धूमकेतु में बदलता हुआ देख सकें और इसकी असली शान हमें नजर आए। इस गोल हिमखंड को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या ये सूर्य में गिर पड़ेगा? अरे बुद्धू, सूर्य में गिरेगा तो जल नहीं जाएगा। सूर्य तो कितना गर्म होता है। सूर्य में इसका गिरना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बात अपनी समझ में नहीं आई यार, जरा साफ साफ बताओ। ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि ये सूर्य से काफी दूर बना रहेगा और उसी दूरी पर रहकर ये सूर्य का चक्कर लगाता रहेगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे हिमखंड की सतह कुछ लड़खड़ा रही है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो। हिमखंड की सतह से गैस का गुब्बार सा उठ रहा है। हाँ, और अब तो बर्फ भी कितनी चमक रही है। जरा ध्यान से देखो, तुम खुद ही पहचान जाओगे। भैया, ये पिचकारी तो और भी लंबी होती जा रही है। वाह, कमाल का नजारा है। इस गोल हिमखंड ने धूमकेतु का रूप ले लिया है। इसकी पूंछ भी है जो धीरे धीरे लंबी और लंबी होती जा रही है। अब तो ये बात तुम मानोगे कि अब तक जो ग्रह तुम लोगों ने देखे हैं उनसे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और शानदार है। हाँ संकेत भैया, लेकिन ये धूमकेतु बना किस चीज का है? ये तो तुमने देख ही लिया है कि ये धूमकेतु बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ये बर्फ सिर्फ पानी से नहीं बनी है, और भी कई चीजों से बनी है। बर्फ तो पानी से ही बनती है ना अंकल? नहीं बेटे, बर्फ सिर्फ पानी से नहीं बनती है, और भी बहुत सी चीजों से बनती है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड वगैरह वगैरह। लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है कि इनके आसपास का तापमान एक खास डिग्री तक नीचे आना चाहिए। पर अंकल, सूर्य तो बहुत गर्म होता है, तो क्या उसकी गर्मी से बर्फ पिघल नहीं जाती? अरे वाह भाई, तुम तो बहुत होशियार होते जा रहे हो। सवाल तो तुमने बिल्कुल सही किया है, और जवाब यह है कि धूमकेतु सूर्य से इतने दूर होते हैं कि सूर्य की गर्मी उन तक पहुंच ही नहीं पाती, और धूमकेतु के आसपास का तापमान इतना कम होता है कि वहां की सारी गैसें जमकर बर्फ बन जाती है। ये तो वैसे ही हुआ ना भैया, जैसे जलती अंगड़ी से हम दूर हों तो गर्मी महसूस नहीं होती, पर जैसे जैसे हम उसके पास आते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है ना भैया? बिल्कुल ठीक, लेकिन धूमकेतु में बर्फ के अलावा दूसरी भी बहुत सी चीजें होती हैं। दूसरी चीजें कौन सी? जैसे चट्टानी पदार्थ, खनिज पदार्थ, लेकिन ये हमें नजर तभी आते हैं जब बर्फ की बाहरी सतह भाप बनकर पिघल जाती है। सुदर्शन, अब जरा गौर से
धूमकेतु को देखो, क्या नजर आ रहा है? हमें तो बस पूंछी दिखाई दे रही है, तुम ही बताओ ना यार। हाँ हाँ, पहली बात तो ये कि धूमकेतु की ये जो लंबी पूंछ है ये हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में रहती है, और ये पूंछ धूमकेतु के केंद्र से निकलती है और ये एक धुंधले वातावरण से हमें घिरी हुई लगती है, इसे हम कोमा कहते हैं। धूमकेतु का जो केंद्र है वो एकदम ठोस रहता है। मगर ये कौन सी ऐसी अनदेखी शक्ति है यार जो इस पूंछ को धूमकेतु से दूर लिए जा रही है? ये शक्ति है सूर्य विकिरण। सूर्य की बाहरी ऊर्जा से कणों का प्रवास सा निकलता है। तुम्हें याद होगा एक बार मैंने फोटॉन्स का जिक्र किया था। हाँ किया तो था, पर उनके बारे में तुमने क्या बताया था यह याद नहीं रहा। यह जो प्रकाश है यह मूल कणों का झुंड होता है, इस झुंड को ही फोटॉन कहते हैं। जब यह मूल कणों का झुंड किसी सतह से टकराता है तो किसी जल धारा के दीवार से टकराने जैसा दबाव डालता है। ओह अब समझा। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है और जमी हुई गैसें फिर से गैस बनने लगती है। हाँ, और वैसे वैसे ही धूमकेतु की यह पूंछ लंबी लंबी और लंबी होती जाती है। भैया ये पूंछ ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी हो सकती है? ये पूंछ 10 करोड़ किलोमीटर लंबी तो आसानी से हो सकती है। बाप रे, 10 करोड़ किलोमीटर लंबी पूंछ। हाँ, एक बात ये भी जान लो कि हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कमाल है, सच्चाई पर हम कितने पर्दे डालते रहते हैं। अंधविश्वास की एक पट्टी हमारी आंखों पर बंधी रहती है। हाँ, लेकिन लोग अगर चीजों को वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू कर दें तो ये पट्टी अपने आप खुल जाएगी। भैया क्या पुराने धर्म ग्रंथों में इस धूमकेतु के बारे में कुछ नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया? अथर्ववेद और कौशिक सूत्र में उसकी चर्चा है और हमारे पुराने खगोल शास्त्रियों ने धूमकेतु के बारे में बहुत कुछ लिखा है। खगोल शास्त्री, ये क्या होता है अंकल? खगोल शास्त्री उस आदमी को कहते हैं जो ग्रह नक्षत्र अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई करता है। एक बात तुम्हें और बता दूं कि वराह मेर और बृहद संहिता में धूमकेतु की शक्ल रंग और उनकी संख्या के बारे में बताया गया है। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे यहां सदियों पहले इतना काम हो चुका है। इतना ही नहीं, पराशर जैसे ऋषि ने धूमकेतुओं का बड़ी गहराई से अध्ययन किया, लेकिन पता नहीं बाद में क्यों ये सारी बातें अंधविश्वासों से जुड़ गई। ये अंधविश्वास क्या होता है मामा जी? ऐसी कोई बात जिसे बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि इसका कोई सबूत भी है या नहीं, सच मान लिया जाता है। धूमकेतु के बारे में क्या अंधविश्वास है भैया? पुजारी, धर्मगुरु, ज्योतिषी, इन सब लोगों का ऐसा मानना है कि अगर धूमकेतु दिखाई दिया तो समझो तकलीफ आई। तकलीफ का मतलब कोई रोग, बाढ़, प्रलय। लेकिन इनके इस विश्वास का कारण क्या है भैया? कोई कारण नहीं है। तुमने तो अभी देखा ना कि धूमकेतु एक बेजान पिंड है जिसके पास अपनी कोई शक्ति ही नहीं है। क्यों मास्टर विपुल, तुम्हें वो डायन नजर आई? नहीं अंकल। अभी भी धूमकेतु के बारे में बहुत सी बातें जानना बाकी है, तो हम ऐसा करते हैं कि मॉनिटर पर डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को बुलाते हैं और उन्हीं से बाकी की सारी बातें जान लेते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं धूमकेतु के इतिहास के बारे में भी जानना चाहता हूँ और बच्चों की जानकारी भी बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन वो यहाँ कैसे आएंगे? संजू बेटे देखो, वो सफेद गोले के अंदर एक स्विच लगा हुआ है। ये वाला? बड़ा वाला। हाँ। इस पर हाथ रखो, अब इसे धीरे से दबाओ। सर। कौन है? मैं संकेत बोल रहा हूँ अंतरिक्ष यान से। सुदर्शन, विपुल, संजू,
आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना है? लेकिन पहले मैं विपुल से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उसे कोई डाइन वाइन तो नहीं दिखाई दी? यहाँ तो कोई डाइन वाइन नहीं है। शाबाश। अच्छा तो तुम्हारे मामा क्या पूछना चाहते हैं? सर, ये बात पहले पहले कब मानी गई कि धूमकेतु एक निष्क्रिय पिंड है और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से संचालित होता है? देखो, एक विख्यात वैज्ञानिक थे एडमंड हैले। वे सर आइजक न्यूटन के मित्र थे। वे ऐसा मानते थे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत धूमकेतु पर उतना ही लागू होता है जितना कि ग्रहों पर। इसका मतलब है कि धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करता है? हाँ, लेकिन धूमकेतु या पुच्छल तारे की परिक्रमा का वृत्त बहुत लंबा होता है। यह उसे सूर्य के काफी पास भी ले जा सकता है और उससे बहुत दूर भी। तो धूमकेतु बाकी के ग्रहों की परिक्रमा रेखा से भी गुजरता होगा। क्या यह ग्रह धूमकेतु को अपनी तरफ खींच सकते हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यदि धूमकेतु बृहस्पति ग्रह के बहुत निकट आ जाए तो हो सकता है उसकी दिशा बदल जाए, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत विशाल ग्रह है जिसका गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। एडमंड हैले का क्या कहना था अंकल? हैले ने इस बात पर गौर किया कि तीन धूमकेतु, चमकीले धूमकेतु, पृथ्वी के पास पहले आ चुके थे। एक आया था 1531 में, दूसरा 1607 में और तीसरा 1682 में। तो हैले ने यह घोषणा की कि ये जो तीन धूमकेतु थे, ये वास्तव में एक ही धूमकेतु था जो बार बार परिक्रमा करके करीबन 75-76 साल के बाद पृथ्वी के पास से गुजरता था। और फिर हैले ने यह भविष्यवाणी की कि यही धूमकेतु फिर करीब 75-76 साल के बाद यानी 1758 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। हैले की बात सच निकली? बिल्कुल सच निकली। ठीक जैसा उसने हिसाब लगाया था, धूमकेतु बिल्कुल उसी समय पृथ्वी के पास प्रकट हुआ। तब तो हैले बहुत खुश हुए होंगे। खुश तो वो अवश्य होते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि धूमकेतु के आगमन के समय वो पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे। सन 1742 में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओ। लेकिन उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उस धूमकेतु का नाम हैले के नाम पर रखा गया। आज उसे हैलेस कॉमेट यानी हैले का धूमकेतु कहते हैं। तुम्हें याद होगा सन 1985-86 के आसपास यह धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा था। डॉक्टर साहब, इस बार यह धूमकेतु सबको नजर क्यों नहीं आया? उनके कई कारण हैं जिनका अध्ययन हो रहा है। वैसे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज हैले का धूमकेतु पहले जैसा चमकदार नहीं रहा। क्या सभी धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा में एक सा ही वक्त लगाते हैं सर? नहीं, ज्यादा धूमकेतु तो ऐसे हैं जो हजारों साल का वक्त लेते हैं, जैसे कि इकेया सेकी या वेस्ट नाम के जो कॉमेट हैं। वे इतना समय लेते हैं कि उन्हें हम अपने जीवन काल में दोबारा नहीं देख पाएंगे। इकेया सेकी और वेस्ट भी वैज्ञानिकों का नाम था? हाँ बेटे, जो वैज्ञानिक धूमकेतु को पहले पहल देखता है उसी का नाम उस धूमकेतु को दिया जाता है। बस, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, सब जवाब मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं सर, आते ही मैं आपसे मिलूंगा। अच्छा तो बाय। बाय। अरे अंकल, ये तो तारे टूट रहे हैं। बेटे विपुल, ये तारे नहीं टूट रहे हैं, ये उल्काएं हैं। उल्काएं? उल्काएं, उल्का पिंड।